Hi guys, welcome back to my channel. So, आज का जो lecture 6 है हमारा, that's about nationalities. जैसे इंडिया में जो रहता है हम उसे इंडियन बोलते हैं, जो लोग फ्रांस में रहते हैं उन्हें फ्रेंच बोलते हैं, people living in America named as Americans. Similarly, हम फ्रेंच में भी इस तरीके से nationalities बताते हैं. So, आज हम यही पढ़ेंगे. So now, le pays means country. And nationality, अगर हमें फ्रेंच में nationalities लिखना है, that is L-E-S, N-A-T-I-O, N-A-L-I-T-E-S, nationality. So the first one is India, as we can see, ind, I-N-D-E. So जब हम किसी masculine इंसान को refer करते हैं, so we call it as I-N-D-I-E-N, Indian. And जब feminine होता है, then double N-E. So जो I-E-N से end करते हैं, उन्हें हम फेमिनिन में आई ई डबल एन ई चेंज कर देते हैं. ये वैसे कोई रूल तो नहीं है, मैंने खुद ही बनाया था. आई ई एन चेंजेस टू आई ई डबल एन ई. सेकेंड वन, ला फ्रांस. हम लोग इसे फ्रांस बोलते हैं, बट फ्रेंच में जो लोग हैं वो लोग इसे फ्रांस बोलते हैं, ला फ्रांस. सो इसकी नेशनैलिटी इज एफ आर ए एन सी ए आई एस, फ्रांसे. एंड अगर फेमिनिन में करना है तो एंड में बस हमने एक ई लगा दिया. सिमिलरली थर्ड वन, बेल्जियम जो है हमारा, बेल्जिक. फ्रेंच में बेल्जिक बोलते हैं, वैसे द कंट्री अगर हम इंग्लिश में बोले इस बेल्जियम. नाउ बेल्जियम में दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में बी ई एल जी ही रहता है. गाइस आई होप कि आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में रहने वाला बंदा इंडियन होता है, उसी तरीके से हम बाकी कंट्रीज़ में किस तरीके से फ्रेंच में बोलते हैं ये वो है. सो नाउ इल अलमोग्न मीन्स जर्मनी. जर्मनी में जो लोग रहते हैं उन्हें हम रिफ़र करते हैं फ्रेंच में एज ए डबल एल ई एम ए एन डी, दैट मीन्स अलमोंद. और अगर फेमिनिन है तो ई आ जाएगा एंड में. सिमिलरली स्विट्ज़रलैंड विच इज़ ला स्विस, एंड जो कंट्री का नाम है वही नेशनैलिटी है फेमिनिन में भी एंड मैस्कुलिन में भी, बिकॉज एंड में ऑलरेडी ई आ रहा है मैस्कुलिन फॉर्म में. इंग्लैंड को फ्रेंच में वी कॉल एज एंग्लेटेयर, इल एंग्लेटेयर, ए एन जी एल ई टी ई डबल आर ई. सो इसकी जो नेशनैलिटी है दैट इज एंग्ले, ए एन जी एल ए आई एस, एंड इन फेमिनिन एक एंड में ई लग जाता है. एंड जैसे इंडिया का था वैसे ही इटालियन हो जाएगा, इटालियन, एंड में डबल एन ई आ जाएगा यहाँ पे. सो इटली जो है हमारी इंग्लिश में हम बोलते हैं, इन फ्रेंच इट्स कॉल्ड एज इटली, I T A L I E. Now the eighth one, इल स्पाग्न means Spain. So Spain में जो रहने वाला इंसान है उसको हम कैसे बोलते हैं, स्पाग्नोल, E S P A G N O L. एंड अगर फेमिनिन में चेंज करना है तो एंड में बस एक ई आ जाएगा. तो गाइस फ्रेंच में अगर हमें कुछ भी कन्वर्ट करना है फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनिन, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होता है देखने का कि एंड में मैस्कुलिन में ऑलरेडी ई है कि नहीं. अगर नहीं है तो मोस्टली हम एंड में ई ही लगा दिया जाता है. सो गाइस मूविंग ऑन टू नाइन्थ वन, ले जापान. जापान इज जापान. सो जापान में रहने वाले लोग आर नेम्ड एज जापानीज, जे ए पी ओ एन ए आई एस, एंड इन द फेमिनिन फॉर्म ई लग जाएगा एंड में. सिमिलरली हम बाकी भी कर लेंगे, हम एक बार रीड कर लेते हैं इसे. ले पाकिस्तान. सो पाकिस्तान का जो है हमारा नेशनैलिटी दैट इज पाकिस्तानीज, पी ए के आई एस टी ए एन ए आई एस, पाकिस्तानीज, एंड फेमिनिन में ई लग जाएगा. लाशीन चाइना, शाइनोस शाइनोस, एंड में ई लग गया बस. ला स्वेद मीन्स स्वीडन. स्वीडन में जब नेशनैलिटी हम बताते हैं दैट इज एस यू ई डी ओ आई एस, स्वेदोस, एंड फेमिनिन के लिए एंड में बस ई लग जाएगा. ला इथियोनिस मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स, बस इसे हमने इंटरचेंज कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ही बोलते हैं इसे. सो यूनाइटेड स्टेट्स में अगर हम नेशनैलिटी बता रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स वालों की, सो दैट्स अमेरिकन, एंड फेमिनिन इज अमेरिकन, एंड में ई आ जाएगा. नाउ द लास्ट वन, ले कैनेडा. कैनेडा सिंपल, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैसे ही फ्रेंच में लिखते हैं. एंड द पीपल फ्रॉम देयर कैनेडियन, सी ए एन ए डी आई ई एन, एंड आई ई एन है, सो एंड में आई ई डबल एन ई. सो आज की वीडियो बस इसी चीज़ के ऊपर थी, एंड बाकी आपका होमवर्क है, एंड दैट इज कन्वर्टिंग
the given sentences into masculine or feminine depending upon मैंने किस form में आपको दिया है. So मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ. First one, L is Japanese. So यहाँ पे हमें feminine given है, L A Japanese. तो इसका masculine क्या होगा? Il A Japanese without any E, because Japan जो था हमारा Japan, उसमें Japanese इस form में masculine होता है and ये है हमारा feminine. तो हमें question में feminine form given थी. Similarly आपको ये next one करना है. And the rest of the homework is on the next page. Question is, change indefinite articles into definite. For example, Yun Ho means a man. So, isko aapko bas definite mein change karna hai. To agar man hai, masculine hai, so it will be Le Hom. L-E-H-O-M-M-E. But we know ki jo Hom ka H hai, that is silent. So, L apostrophe H-O-M-M-E. Is tarike se aapko baki karne hai. Next question जो है हमारा, that is répondre en français, means reply in French. Now, comment to the pel. So, इसमें आपको अपना नाम बता दें. This is, what's your name? Next one, quel âge avez-vous? Means, what is your age? Vous इसलिए है यहाँ पे, because we don't know कि हम किससे बात कर रहे हैं, छोटा है या बड़ा. So, in general, जब हम किसी stranger से नाम पूछते हैं, तो हम त्यू करके बात नहीं करते, हम respect show करते हैं, that's why we use वो. So, the question is, quel âge avez-vous? What's your age? So, यहाँ पे आपको अपनी age बतानी है. Now, the third one, quel âge a votre mère? What's the age of your mother? And the last one, I guess हमने ये नहीं किया है अभी तक, combien de amis avez-vous? Combien de मतलब होता है, guys, जब आपसे पूछते हैं कि आपके पास कितने क्वांटिटी पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी. दिस मीन्स हाउ मेनी. द क्वेश्चन इज हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव. आवे वो आवे भी हो सकता है, बट हम क्वेश्चन पूछते हैं उसे कन्वर्ट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं आगे पीछे. आवे वो. सो हाउ मेनी फ्रेंड्स आवे वो मीन्स हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव. आज की वीडियो में बस इतना ही. सो आई होप आप लोग ये होमवर्क कर लेंगे. So guys, stay tuned, stay safe, ghar pe rahiye and keep watching French Mantra. And if you find my videos helpful, please like, share and subscribe to my channel.